हे दोस्तों, यू हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एक नई सरकारी नौकरी के साथ। मैं शिवराज चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल यू हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत में निकलने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट yohelpsr.com को दिन में 3 से 4 बार जरूर विजिट किया करें। भारत में निकलने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी, चाहे वो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ITI बेस हो, BA, BSc, MCOM, कुछ भी हो, सभी तरह की सरकारी नौकरी जो भी इंडिया में निकलती है, सबकी जानकारी हमारी वेबसाइट yohelpsr.com में सबसे पहले दी जाती है। वेबसाइट को आप डेली विजिट किया करें। राइट साइड में ये बेल नोटिफिकेशन यानी कि घंटी आपको दिख रही है, इस बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप वेबसाइट को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वैकेंसी अपडेट करें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल। फ्रेंड्स, आज की जो ये वैकेंसी है वो टीचर्स की बम्पर भर्ती है। 14,428 पदों पर ये बम्पर भर्ती जो है वो होने जा रही है। अगर आपका सपना टीचर बनने का है, शिक्षक बनने का है, तो ये भर्ती आपके लिए है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छी नौकरी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोग जरूर भरिएगा। 14,428 पदों पर बम्पर भर्ती आई है। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत 14,428 अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है टीचर्स की, लेक्चरर्स की। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन ना छूटे। सीधे हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, हम अपनी वेबसाइट yohelpsr.com पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूं, तो जो आपकी असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक की पोस्ट है, उसके लिए आप 12वीं पास और BEd आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो टीचर्स यानी कि शिक्षक की जो वैकेंसी, उसके पास आपके उसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री और BEd होना चाहिए। लेक्चरर की पोस्ट के लिए आपके पास स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस BEd होना चाहिए। यहां पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि BEd यहां पर कंपलसरी है, बिना BEd के आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो 12वीं पास प्लस BEd इसका फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन जिनके पास है किसी भी विषय में और BEd है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है प्लस BEd है, वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट जिनके पास भी BEd है, फीमेल कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरें, जिनका भी सपना टीचर्स बनने का है। बंपर भर्ती बहुत कम ऐसा चांस आता है कि इतने पदों पर भर्ती आए। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 14,428 पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। पोस्ट की बात करें तो टीचर्स की पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर, ये तीन तरह के अलग अलग आपके पोस्ट है कैटेगरी वाइज। ये आप नोटिफिकेशन में जाकर के जो है वो देख सकते हैं। कम से कम आपकी जो एज होना चाहिए वो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पर 40 साल एज लिमिट दी गई है। अब हम सिलेक्शन की बात करें तो इस पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जाम के माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी इसमें मिनिमम 50,000 से 60,000 रुपये हर महीने आपकी सैलरी बनेगी। पे मैट्रिक्स लेवल 9 to 6 के आधार पर यहाँ पर सैलरी बनेगी। तो पे मैट्रिक्स 9 की अगर हम बात करें तो वो 50,000 से ऊपर आपकी सैलरी यहाँ पर जाएगी। महिला और पुरुष दोनों इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी से जो भी कैंडिडेट जिनके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोग जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। अब अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर दिया गया है, क्या आप लिंक देख सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये जो क्लिक हेयर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद नीचे दिया गया ऑनलाइन आवेदन यहाँ करें, तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करके इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अप्रैल 2019। जॉब लोकेशन आपकी छत्तीसगढ़ रहेगी, सिर्फ छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ पूछना हो तो कमेंट पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।